आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि टाइपोग्राफी पे सीरीज लेके आओ, तो फाइनली टाइपोग्राफी पे सीरीज लेके आ चुका हूँ और ये है उसका पहला एपिसोड। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है वंडर शेयर का डेमो क्रिएटर ने। डेमो क्रिएटर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एडिटिंग भी प्रोवाइड करता है। तो गाइस आप लोग मेरे से बहुत दिन से पूछ रहे थे कोई अच्छा सा स्क्रीन रिकॉर्डर का नाम बताओ, तो गाइस आई थिंक वंडर शेयर का ये जो डेमो क्रिएटर है वो आपको ट्राई करना चाहिए। और इसमें सबसे अच्छे फीचर के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे अच्छा फीचर इसमें यह है कि ये आपको हाई रेजोल्यूशन रिकॉर्डिंग देता है। अगर आप कुछ भी 4K भी 1920 जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हो उसमें आपको हाई रेजोल्यूशन रिकॉर्डिंग आपको ये देता है। प्लस इसमें ऑन स्क्रीन ड्राइंग भी है लाइव में, कि अगर आप किसी पॉइंट को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो वो भी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप हाईलाइट कर सकते हो। और सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगा कि मल्टीपल स्क्रीन को सेम टाइम में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है सबसे अमेजिंग उन लोगों के लिए होने वाला जो कि गेमिंग चैनल रन करते हैं। प्लस ये डेमो क्रिएटर उन लोगों के लिए तो सबसे ज्यादा यूजफुल है जो ट्यूटोरियल बनाते हैं मेरी तरह, तो वो इस सॉफ्टवेयर को ट्राई करके अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करके बढ़िया सा ट्यूटोरियल भी बना सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, इसको ट्राई कर सकते हो। प्लस और अगर आपको पेड प्लान चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हो। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ और हम डिजाइन करते हैं अपना फर्स्ट टाइपोग्राफी बैनर और सीखते हैं कुछ अमेजिंग से टेक्निक्स। तो गाइस इस एपिसोड में हम टाइपोग्राफी का जो टेक्निक सीखने वाले हैं उसका नाम है डिस्टॉर्ट। तो गाइस डिस्टॉर्ट इफेक्ट यूज करके हम कैसे टाइपोग्राफी में बढ़िया बैनर बना सकते हैं वो मैं आज आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। फॉन्ट जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ उसका नाम है रिजॉल्व। रिजॉल्व फॉन्ट में 110 फैमिली है, तो ये देखो ये सारे के सारे फैमिली है और ये मॉडर्न फॉन्ट है, तो जितने टाइप के फॉन्ट्स हो सकते हैं सारे के सारे इस फैमिली के अंदर है फॉन्ट्स, तो ये टाइपोग्राफी पोस्टर के लिए मजेदार है। तो मेरे पास में ये कॉन्टेंट है और इस कंटेंट को हम यूज करने वाले हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट वर्ड और ये रहा अपने पास, ठीक है, और मैं इसको ले लेता हूं फिलहाल बोल्ड कर देता हूं इसको, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं इसको बोल्ड, फॉन्ट साइज बिगर। और इसको मैं बोल्ड इसलिए किया कि ये थोड़ा सा एग्रेसिव लगे, क्योंकि मैं ये स्पोर्ट्स बैनर वाला लुक आने वाला है। और ये है उनका सर नेम, बेसिकली ये है उनका सर नेम। हमें थोड़ा डार्क टोन देना है तो मैं इसको कर देता हूं ब्लैक। अब हमें क्या करना है, इसको मैं ले लेता हूं ऊपर इधर, इसको बराबर कर देता हूं। सबसे पहले आपको ये देखना है दोनों फॉन्ट आपको बोल्ड लेना है और इस तरीके से आपको मतलब एक अच्छे तरीके से इसमें एक लाइन बना देना है लगे। और एक बार अलाइनमेंट भी आप चेक कर लो कि आपको लगे कहीं कोई ज़्यादा जा रहा है कम जा रहा है, तो आप इसको ठीक कर सकते हो। जैसे कि मैं कंट्रोल टी प्रेस करके आप इसको सही से इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल डी से आपका ये डी सेलेक्ट हो जाएगा जैसे आपको पता है, और कंट्रोल एच से ये ग्रिड लाइन भी हट जाती है। अब मैं प्लेयर को यहाँ पे ऐड करता हूँ जिसको मैंने पहले से निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और इस प्लेयर में थोड़ा सा मैं इफेक्ट यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो इसको डबल क्लिक किया, ये यहाँ पे आ गया। अब मैं सबसे पहले इसको कर रहा हूँ ब्लैक एंड वाइट, उसके बाद मैं यहाँ इसको कर रहा हूँ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद मैं डी सेलेक्ट करके यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं जाऊँगा फिल्टर गैलरी और यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा हाफ टोन और दो को मैं कर दूँगा यहाँ पे एक, ठीक है, और यहाँ पे कर दूँगा मैं ओके। तो ये कुछ इस टाइप से इफेक्ट हमें क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और इसको मैं हल्की सी इसकी ओपेसिटी कर दूंगा डाउन फर्स्ट वाले का, इन दोनों को मैं यहाँ पे कर दूंगा सेव। तो ये यहाँ भी सेव हो गया, देख लो यहाँ भी ये सेव हो गया। अब हम यहाँ पे मेन इफेक्ट अप्लाई करेंगे और ये इफेक्ट आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, जितना आपको डालना है उतना आप इसमें डाल सकते हो। तो उसके लिए मैं जाना है फिल्टर, फिल्टर में जाके लिक्विफाई और वहाँ पे ये रहा अपने पास टेक्स्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जिस फर्स्ट वाला जो ब्रश है उसको आप चूज़ करो और हल्का सा मैं इस तरीके से इसको ऐड कर रहा हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा इफेक्ट मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ और कर दिया यहाँ पे ओके। तो ये देखो किस टाइप का टाइपोग्राफी डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, अभी भी ये सही नहीं है। अब हमें क्या करना है, कुछ इसमें एडिशनल टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सबसे पहले तो नाम को मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन डिफरेंट फॉन्ट में। तो मैं यहाँ पे ये नाम लिखा और इसी का मैं इटैलिक वर्जन में यहाँ पे
ले रहा हूँ। ओके, इसको थोड़ा नीचे। आप इसी तरीके से एक टेक्स्ट को दो बार भी यहाँ पे लिख के ऐड कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ पे लिखने के, अब अगर आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अलाइनमेंट चेक करूँगा कि ये किसी के साथ एटलीस्ट अलाइंड हो जाए। तो ये इसके साथ यहाँ पे देख लो अलाइनमेंट हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रखूँगा और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बिगर रखूँगा और एटलीस्ट किसी के साथ यहाँ पे इसको अलाइन करूँगा, जैसे ये यहाँ पे इसके साथ अलाइनमेंट अच्छा इसका हो रहा है, ठीक है। तो ये देखने में पूरा सही लगेगा। अब जो फर्स्ट इसको नेम है, नेम को मैं थोड़ा सा और इसको इटैलिक वाला यहाँ पे वर्जन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा थिन वाला वर्जन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये रहा अपने पास थिन वर्जन, ठीक। इतने यहाँ तक हम आ गए। अब अपने पास दूसरा टेक्स्ट है यहाँ पे वंडर गर्ल। इसको कॉपी किया और वंडर गर्ल यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है। और वंडर को मैं यहाँ लिखा और गर्ल को मैं ठीक इसके नीचे लिखूंगा। और टाइपोग्राफी डिजाइन में क्या होता है ना कि आपको हर एक स्पेस पे ना थोड़ा सा अटेंशन देना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पैर के पास थोड़ी सी जगह खाली है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे करके मैं इसको यहाँ लगाऊंगा। अब यहाँ पे दूसरा लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, तो प्राइड ऑफ इंडिया ऐसा करके हमने यहाँ पे बना दिया, इंडिया को अलग किया ना। फॉन्ट्स को आप जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सको, आपका टाइपोग्राफी बैनर उतना ही बढ़िया यहाँ पे लगेगा। ये रहा प्राइड ऑफ इंडिया, इसको मैं हल्का सा यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ थिन। ये रहा प्राइड ऑफ इंडिया, तो देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है। अब क्या है, कहीं कहीं यहाँ पे जगह खाली है तो उस जगह को आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल कर सकते हो आप शेप से, तो शेप हम यहाँ पे लेंगे फिलहाल ये। और जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक जगह खाली दिख रहा है ना, स्पेस है। तो मैं ब्लैक शेप, मैं ब्लैक कलर का शेप लेके और इसको यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो ये हमने यहाँ पे फिल कर दिया, देख रहे हो, ये अपना फिल हो गया। और इसमें थोड़ा सा गैप दे देंगे तो ये सही हो जाएगा। अब हमें क्या करेंगे कि यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है जो कि एक्स्ट्रा है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और इसको हम हल्का सा इसके साथ अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो अलाइनमेंट था उसको हम लेके देखेंगे भाई एकदम सही है या नहीं है। तो हमें ये एकदम ठीक लग रहा है, तो हमने इसको यहाँ पर कर लिया। आप चाहो तो इसको भी थोड़ा सा सही कर सकते, लेकिन इसको हमने इधर किया है तो इसके हिसाब से ये सही है, ठीक है। अब कंट्रोल एच, तो ये हल्का सा बैनर जैसा हमें अब दिख रहा है। और अभी भी ये फिनिश नहीं है, अभी भी इसमें बहुत काम अभी बाकी है, ठीक है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, इमेज में एक कंट्रास्ट देना है। अभी यहाँ पे क्या मिसिंग है, कंट्रास्ट। तो इस इमेज को हमने यहाँ पे किया डुप्लीकेट, और यहाँ पे नीचे वाला इमेज है उसको मैं पूरा कलर से फिल कर दूंगा। तो एफेक्ट्स कलर ओवरले, ठीक है। और इसको मैं कंट्रास्ट देने के लिए, थोड़ा सा डार्क लुक देने के लिए, मैं इसको डार्क ब्लू कलर में इसको लेके जाऊंगा। ओके, अब जो फर्स्ट वाला लेयर है उसको हल्का सा मूव करूंगा इस तरफ। ये ब्लू मुझे लगता है ज्यादा हो गया, तो थोड़ा सा और इसको लाइट ब्लू करूंगा। आई थिंक ये ब्लू ठीक है, यहां तक ठीक है। और अभी भी यहाँ पे ये जगह खाली दिख रहा है, ये जगह है आपको खाली, ऑफ कोर्स आपको दिख रहा होगा। तो इस टेक्स्ट को आप यहाँ तक मर्ज कर सकते हो अच्छे से, ये देखने में सही लगे। यही है टाइपोग्राफी बैनर का खूबसूरती, कि आपको टेक्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना पड़ेगा और फिर आता है मज़ा कुछ इस तरह की चीज़ें बनाने में। अभी ये रेड के ऊपर बहुत ही डार्क और बहुत ही स्पोर्टी फील दे रहा है, लेकिन मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे ये चीज़ें और अच्छी हो जाएगी। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है ह्यू एंड सेचुरेशन, ये आ गया ह्यू एंड सेचुरेशन। और कलराइज, और आपको कलराइज पे क्लिक नहीं करना है। अगर कलराइज पे क्लिक करोगे तो सारा एक कलर में हो जाएगा, आपको ये नहीं करना है। अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं पता कि डार्क टोन में कैसा लगेगा, तो इसको जस्ट एक डार्क फील दे दो। हमने एक डार्क फील दे दिया भाई, रेड के ऊपर ब्लैक है और ब्लू है,
अब ये एक से एक आपको कॉम्बिनेशन बना के देगा जैसे आप इसको मूव करोगे। ये देखो, ये देखो कितना अच्छा दे रहा है कॉम्बिनेशन बना के, देख लो, ये देखो, ये देखो, ये कितना सही कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे बना के दे रहा है। जो भी आपको सही लगे आप उस पर लॉक कर दो। मुझे यहाँ पे ये सही लग रहा है, मुझे यहाँ पे ये सही लग रहा है, तो मैं इसको लॉक कर दूंगा। और अब इसमें और भी चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि एक चीज़, जैसे कि आप यहाँ पे एक दो चीज़ ऐड कर सकते हो, वो है जो अपना मेन टेक्स्ट है उसको आप पर्सपेक्टिव यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है थोड़ा सा ऐसे करना है या इस तरीके से करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये देखो, ये और भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप का ये लुक आपको देने लगेगा। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव वाला इफेक्ट डाल के ना ये चीज़ें और अच्छी होती चली जाएगी, देख लो। और यहाँ पे आप पर्सपेक्टिव लो और जैसा मन आप वैसा यहाँ पे फील ला सकते हो। इधर बस आपको देखना ये है कि हर टेक्स्ट कहीं ना कहीं से ये कनेक्ट होना चाहिए। ये देख लो, यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है, तो हर टेक्स्ट कहीं ना कहीं से कनेक्ट होना चाहिए। अब ये यहाँ पे अकेला पड़ गया तो आपको इसको ऑफकोर्स यहाँ पे ऊपर लेके कहीं जाना पड़ेगा, तो और ये देखने में ठीक लगेगा। तो हम पहले की तरह आ जाते हैं जो हमारा पहले था, ये रहा हमारा पहला। तो ये देखने में काफ़ी सही लग रहा है, मुझे ये देखने में ठीक लग रहा है, आई थिंक आप लोगों को भी ठीक लग रहा होगा। और भी आप कोई चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कुछ मोटिवेशनल कोट्स है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, जैसे और इसको जस्ट आपको किसी अच्छी जगह पे इसको यहाँ पे प्लेस करना है। तो यहाँ पे तो ये सही नहीं लगेगा, आपको जस्ट यहाँ पे कुछ बढ़िया सा प्लेस ढूंढना है। तो इसको करने का सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप किसी चीज़ को यहाँ पे ब्रेक करो। सबसे बढ़िया आइडिया क्या हो सकता है कि किसी चीज़ को आप यहाँ पे ब्रेक करो। तो अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ब्रेक करना है। तो मैं मान लो ये अपना जिस कलर का बैकग्राउंड है उसी कलर का मैं यहाँ पे शेप ले लेता हूँ। ये रहा अपने के पास इस कलर का शेप, और इसको इसके ऊपर लेके जाते हैं, और ये ए यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, और इसके ऊपर जस्ट आपको यहाँ पे ये डाल दो। तो ये देखने में और भी आपको टाइपोग्राफी वाला फील आपको ये बहुत अच्छे तरीके से ये देगा, देख लो। और इसका अलाइनमेंट आपको ध्यान देना है कि कहीं बाहर की तरफ ना जाए, आपको अंदर में ही इसका अलाइनमेंट रखना है। तो ये रहा अपने पास में बढ़िया सा टाइपोग्राफी वाला बैनर, अभी देखो कितना सही लग रहा है। इसके बाद इसमें आप कुछ भी लगाओ, कोई भी शेप लगाओ, ये देखने में काफ़ी बढ़िया लगेगा, काफ़ी सही लगेगा। जैसे मान लो मैं एक शेप यहाँ पर ले रहा हूँ, और इस पर मैं और पेन टूल पर जा रहा हूँ, और इस पर मैं क्लिक करके ओके कर रहा हूँ, और मैं कुछ इस टाइप से कुछ यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, ये देखो यहाँ पे मैं कुछ क्रिएट किया, और इसके बाद मैं इसको भी ऑफकोर्स ब्लैक ही रखूँगा, और मैं कुछ इसको यहाँ पे इसको लेके जा रहा हूँ, इसको ठीक इसके नीचे ले गए, और इसका भी कलर मैंने कर लिया यहाँ पे, और इसको भी कलर मैंने उसी सेम रेड के में कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि ये कट रहा है यहाँ पे। अब ये जो आपके पास जगह है इसके अंदर भी आप यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हो। और अब हमें इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, ये रहा टिल्ट करना पड़ेगा, और ये रहा अपने पास में फॉन्ट। ये देखो ये कितना सही लग रहा है यहाँ पे देखने में, बट ये कुछ कट रहा है। तो ऑफकोर्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इस कंट्रोल टी, और यहाँ पे हम करेंगे पर्सपेक्टिव, और इसको हल्का सा नीचे की तरफ यहाँ पे इसको पुश करेंगे। ये देखो ये हमने यहाँ पे इसको पुश किया, और ये देखो ये इस तरीके के, ये इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, और ये ठीक लग रहा है। ये देखो कितना सही लग रहा है देखने में। अब ये पूरा का पूरा पोस्टर वाला आपको फील दे रहा है, और आपके पास में ये वाला हमेशा रहेगा ह्यूमन सैचुरेशन। अगर आपको इस ये कलर में मज़ा नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर जस्ट इसको चेंज करो, आपको और मज़ेदार कलर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो कितने अच्छे यहाँ पे कलर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कलर आई थिंक उसने उसके अंदर आना चाहिए। देखो ये कितना ठीक लग रहा है देखने में। तो ये सीरीज मैं लेके नहीं आने वाला था, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इंडिया में टाइपोग्राफी को कितना लोग अहमियत देते हैं और कितना इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं,
लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू हो तो सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि हाँ ये सीरीज आपको कंटिन्यू चाहिए या नहीं चाहिए। टाइपोग्राफी में बहुत सारे सीक्रेट है, मैंने आपको एक यहाँ पर टिप्स बताया डिस्टॉर्ट, उसको यूज़ करके आप क्या बना सकते हो, और भी बहुत सारे यहाँ पे है, बहुत सारे टिप्स है जो मैं आपको धीरे धीरे दूंगा, बहुत सारे टेक्निक है जिसको लेके आप बहुत अच्छा बैनर पोस्टर बना सकते हो। तो इस वीडियो के लिए मैं पहली बार लाइक टारगेट रख रहा हूँ जस्ट समझने के लिए कि आप लोगों को टाइपोग्राफी में कितना इंटरेस्ट है। इस वीडियो पर जस्ट मुझे 10,000 लाइक चाहिए, 10K लाइक चाहिए, फिर मैं इस सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू करूंगा। एटलीस्ट 15-20 एपिसोड तो इसमें आएंगे ही आएंगे। अगर आप ट्यूटोरियल बनाते हो या गेमिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो आपको डेमो क्रिएटर स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर आपको ट्राई करना चाहिए, काफी अमेजिंग है, इसमें बहुत सारे फीचर्स है और ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, तो वहां पे आप इसको डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अपना ट्यूटोरियल क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हाई क्वालिटी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको डेमो क्रिएटर ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब हम मिलेंगे सीधा नेक्स्ट एपिसोड में, और अपना लाइक टारगेट को जरूर आप याद रखना, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।